बड़ी खबर आपको बता देते हैं और जानकारी ये मिल रही है भारत और इंडिया विवाद के बीच आम आदमी पार्टी उसने एक नया शगुफा छोड़ा। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा कह रहे हैं विपक्ष की अगली बैठक में गठबंधन का नाम इंडिया से बदलकर भारत करने पर विचार किया जा सकता है। विपक्ष के इंडिया गठबंधन से घबरा कर बीजेपी देश का नाम भारत करने की कोशिश कर रही है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक रावत इस वक्त मौजूद हैं। जरा दीपक से जानते हैं, दीपक ये जिस तरीके से राघव चड्ढा का बयान सामने आया है कि साहब हम भी अपने गठबंधन का नाम बदलने पर विचार करेंगे, इसको सिर्फ शगुफा माना जाएगा? तो नहीं कह सकते रोमाना, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कमेटी जो बनाई गई है इंडिया गठबंधन के दल की तरफ से, उस कोऑर्डिनेशन कमेटी में राघव चड्ढा भी एक नाम है जो कि इस कमेटी का हिस्सा है, और उन्होंने जो ट्वीट किया है उसी पर अब कई सारे जो इंडिया गठबंधन दल के नेता हैं उनके बयान आने भी शुरू हो गए हैं। यही नहीं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब उनसे भी सवाल पूछा गया कि अब इंडिया हटा के भारत रहेगा, तो उन्होंने ये कहा कि कल को अगर गठबंधन का नाम भारत कर दिया जाएगा तो क्या देश का नाम भारत से बदलकर बीजेपी कर दिया जाए। तो यानी कि जो तमाम जो नेता हैं, चाहे वो गठबंधन दल के आम आदमी पार्टी के नेता हों या दूसरे नेता हों, वो इस लाइन को पकड़कर अब चल रहे हैं कि अगर अगली मीटिंग में हम इस गठबंधन का नाम बदल के भारत कर दें तो उसके बाद आगे क्या होगा। यही वजह है कि इस तरीके की चीज़ें अब निकल कर सामने आ रही हैं, ट्वीट सामने आ रहे हैं और बयान भी सामने आ रहे हैं। रोमाना आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। नीरज पांडे भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। नीरज, ये जो राघव चड्ढा वाला बयान सामने आया है जिसमें वो कहते हैं कि साहब हम आगे मंथन कर सकते हैं, अपने गठबंधन का नाम इंडिया से बदलकर भारत कर सकते हैं, तो कुल मिलाकर इसे राजनीति में किस रूप में देखा जाएगा? एक तरफ भारत सरकार जो भारत को ज्यादा यहां पर ऑफिशियल कामकाज में सरकार की लाती हुई नजर आ रही है, और दूसरी तरफ विपक्ष ये कह रहा है कि साहब इंडिया गठबंधन नाम बदल लेंगे, हम तो नाम ही अपना भारत कर लेंगे, चुनावी नैरेटिव सेट करने की कोशिश। ठीक है रोमाना, इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार और सत्ता पक्ष की जो चाल थी या जो कहें कि उनका जो कदम था उसमें विपक्ष फंस गया है। विपक्ष इस मुद्दे पर आ गया कि इंडिया और भारत के बीच से पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहा है, लड़ाई लड़ रहा है। यही चाहता था सरकार, यही सरकार चाहती थी, यही भाजपा चाहती थी, और उसी ट्रैप में ये लोग आ गए हैं। देखिए, भारत और इंडिया का जो तालमेल है वो तो संविधान में ही अंकित है कि इंडिया ही भारत है और भारत ही इंडिया है। आप चाहे भारत कहिए चाहे इंडिया कहिए, देश के नाम को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन अगर विपक्ष इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है, विपक्ष इस पर अपनी बात रख रहा है, विपक्ष इस पर आपत्ति जता रहा है और अपने गठबंधन का नाम तक बदलने के लिए तैयारी कर रहा है, तो समझ लेना चाहिए कि सरकार जो चाहती थी, यानी कि विपक्ष भाजपा जो चाहती थी, वो उस ट्रैप में आ गए। यानी आप अपने असली मुद्दों से हटकर आप इस मुद्दे पर आ गए हैं कि कौन भारत का है कौन इंडिया का है। रही बात ये, दूसरी बात ये है कि अगर ये विपक्ष करता भी है कि नहीं वो अपना इंडी अलायंस या इंडिया अलायंस का जो नाम बदल कर भारत करता है या कुछ और करता है, तो ये उनकी और बड़ी जीत होगी, क्योंकि वह यही चाहते हैं कि आप कम से कम इस उनकी पिच पर आकर खेलिए। तो दरअसल ये दोनों तरफ से एक तरह से नरेशन की राजनीति हो रही है। भाजपा और केंद्र सरकार इस बात के लिए जोर दे रहे हैं कि वो देश में नेशनलिज्म को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और विपक्ष नाम तो लेकर आया लेकिन वो कहीं ना कहीं सरकार के प्रयासों में उलझती जा रही है। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं चुनावी नैरेटिव जिसको सेट करने की कोशिश यहाँ पर भारत बनाम इंडिया वाली जो स्थिति बना दी गई है नेताओं की तरफ से अपने बयानों से, हालांकि संविधान की अगर बात की जाए उसमें कहीं कोई विरोधाभास है नहीं, वहां पर बिल्कुल क्लैरिटी है, इंडिया दैट इज भारत। ऐसे में आशीष सिंह, क्या लग रहा है ये भारत वाली कथा से जो विपक्ष की व्यथा है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है? देखिए, टू दी कॉन्ट्ररी, जो विपक्ष के टॉप लीडर से मेरी बात हुई रोमाना, उनका ये कहना है कि आज डॉक्टर जयशंकर ये जरूर कह रहे हैं कि इट वॉज ऑलवेज देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, सो इट वॉज ऑलवेज देयर। ये विपक्ष के नेताओं का मानना है कि अब 9 साल के बाद आपको याद आ रही है और आप दो वर्ड्स इंडिया और भारत में से एक का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, सो देयर इज समथिंग बाई डिज़ाइन विच इज बीइंग डन। लेकिन विपक्ष की चुनौती अब ये है, जो विपक्ष अपनी रणनीति बना रहा है कि सरकार को, बीजेपी को खास करके, जो स्पेशल सेशन भी बुलाया गया है उसमें वापस कोर इश्यूज पे लेकर आए। विपक्ष का ये आरोप है कि ये जो कमिंग टुगेदर था अलायंस का जो नीरज कह रहे थे, उससे टू द कॉन्ट्ररी उनका ये मानना है कि हमारे कमिंग टुगेदर से सरकार इतना परेशान हुई कि कुछ ना कुछ नया ढूंढ रही थी, और तब उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना इस मुद्दे को सामने रखा जाए। ऐसे में ये चुनौती रहेगी
कि संसद के सत्र में के दौरान और उसके पहले भी सरकार को जो कोर इश्यूज हैं, चाहे वो प्राइस राइज का हो, चाहे वो बेरोजगारी का हो, चाहे वो मणिपुर का हो, इन पर वापस लाया जाए। और विपक्ष का सीधा आरोप है कि सिर्फ और सिर्फ डाइवर्ट करने के लिए कोर इश्यूज से, जैसा कि अक्सर देखा गया है सरकार ऐसा करने का प्रयास कर रही है। डॉक्टर जयशंकर, मैं फिर से दोहराना चाहूं, इस मुद्दे को देखिए उठाया भी विपक्ष की तरफ से ही गया। जयराम रमेश ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कल इस बात को सार्वजनिक तौर पर सामने रखा कि साहब ये प्रेसिडेंट ऑफ भारत इन्होंने लिख दिया है, ये तो षड्यंत्र एक तरीके से विपक्ष की तरफ से, उसके बाद आरोप लगने लगे कि सरकार की तरफ से रचा जा रहा है, देश का नाम बदलने जा रहे हैं। हालांकि कोई भी ऐसा औपचारिक बयान सामने नहीं आया है कि देश का नाम इस रूप में बदला जा रहा है कि इंडिया हटा दिया जाए और सिर्फ भारत रखा जाए। जो सत्ता पक्ष की तरफ से बयान आ रहे हैं, आधिकारिक बयान जिनको माना जाएगा, उसमें इसी बात को अंडरलाइन किया जा रहा है कि साहब संविधान में दोनों नामों को बराबरी के तौर पर रखा गया है, इंडिया दैट इज भारत, जिसका जिक्र आज विदेश मंत्री की तरफ से भी किया गया। और इस बीच सियासत है कि थमने का नाम नहीं ले रही, वार पलटवार जो है वो इसी नाम वाले मुद्दे पर किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, जरा देख लीजिए। पहले प्रधानमंत्री खुद इंडिया नाम से डरे हुए हैं, और आप थोड़ा गौर करके देखो कि जिस दिन से इंडिया नामक गठबंधन बने हैं हमारे देश में, मोदी जी की नफरत इंडिया के खिलाफ बढ़ते गए हैं। कभी कहते हैं इंडियन मुजाहिदीन, कभी कहते हैं ईस्ट इंडियन, अभी कहते हैं कि महामहिम भारत, इंडिया नाम हटा देना चाहिए। इंडिया यानी कि भारत, और ये जो भारत नाम है ये हजारों साल से तला हुआ है, इसीलिए भारत को कोई नया नाम देने का जरूरत नहीं है। हमारा ये देश भारत था, भारत है और भारत रहेगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।